चलो ठीक है सर। यहाँ सेंट जॉन्स स्कूल में कुछ फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं, कैसे सूचना मिली कि यहाँ पे फर्जी वोट पड़ रहे हैं? सूचना मिली कि कुछ लोग वोट डालने के लिए दूसरे गांव के यहाँ आए हैं जी, आकर के चेक किया गया तो 8 महिलाएं 2 पुरुष जी मिले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टिया ये यहाँ के लोकल प्रतीत नहीं हो रहे हैं जी। शिवपुर थाना क्षेत्र के छोलापुर के रहने वाले अभी बता रहे हैं, इनका आईडी प्रूफ मंगाया जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, मतदाता सूची में इनका नाम है कि नहीं है, तत्पश्चात इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए। सर इनके पास से कुछ आधार कार्ड भी फर्जी बरामद हुए हैं? हमें आधार कार्ड अभी फर्जी नहीं कहा जा सकता, अभी उसकी जांच करने के बाद ही बता सकता हूं कि फर्जी है कि सही है। सर पकड़ाए हैं आधार कार्ड और पहचान पत्र? हाँ, यहाँ कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी तो उनको जांच के लिए डिटेन किया गया है। सर ये वोट कौन डलवा रहा था सर, फर्जी का नाम बताएं वो? अब ये चीज़ें अभी ये सब जाँच के बाद। क्या सर वो कहाँ पर है जी, वो कहाँ पर है जो पकड़ाए हुए प्रत्याशी, अरे मतलब मतदाता है? थाने पर है, पूछताछ की जाएगी 5 बजे तक, कभी जब तक मतदान सकुशल, पहली प्राथमिकता मतदान सकुशल संपन्न कराने की है जी। मतदान सकुशल संपन्न कराने के बाद वो भी जांच करके उसमें भी आवश्यक विधि कार्रवाई। सर लगभग क्या लगभग कुछ वोट पड़ भी गए हैं फर्जी? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है, फर्जी वोट पड़ने की सूचना नहीं है। सर आगे फर्जी ना, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, पूरी पुलिस भी सतर्क है और पीठासीन अधिकारी भी, सारे लोग सतर्क सतर्कता से। सर कुछ प्रत्याशी यहाँ वोट पड़ रहे लेकिन फिर भी घूम रहे हैं, लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं? कहाँ पे? ये जहाँ वोट पड़ रहा है सेंट मैरी? ऐसा तो कहीं नहीं है अभी, फिर भी मैं फिर चेक कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू।